वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में गहरी शंका है, जिनकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में पशु बलि मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, ये अर्ध सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें दी गई हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। वहीं अथर्व वेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल दाल गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोजन पदार्थ है। तुम कभी भी किसी भी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख की बजाय अन्न को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाए जाते हैं तो वह राजसी आहार बन जाता है और ये राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे कि उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरण बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरण से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपा करके मुझे इसे दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। ये सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं, मैं क्या जानूं मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरण को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं, फिर क्या ये पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वह शिकारी सोचने लगा कि इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही
राजसभा में अपने सभी मंत्री और सिपे सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। ये सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे, चावल गेहूँ आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और उसमें समय भी काफी लगता है, ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। ये सुनकर सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उसी सामंत के घर पहुंचे जिसने ये प्रस्ताव रखा था। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का दो तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 100,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कह दें, मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस दो तोला मांस निकाल लूंगा। ये सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 100,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देखकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय मैं आपकी 100,000 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 100,000 मुद्राएं और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी और को पता न चले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत जी आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। यदि आप मान लें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। खुद को फंसता हुआ देख सामंत ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद का या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय के लिए दो तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 100,000 से 500,000 मुद्राएं तक दी और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपने चिर परिचित अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला, हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, दो तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है लेकिन मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया। वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। साग सब्जी इतनी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे और इस तरह राज्य का खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से ये ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया।
और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मित्रों, जीवन का यही मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूलें, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्रिय होती है। तो दर्शकों, इस कथा को जानने के बाद अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं। परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिकों की माने तो जहाँ एक और शाकाहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारी आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कुछ धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, परंतु ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हुए हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ इंसान का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय आते आते हम जिंदगी भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब वे जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा तो उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपके कई भ्रम इस वीडियो को देखने के बाद टूटे होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा YouTube चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।